एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज है संडे और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। अभी बज रहे हैं 8:30 के करीब और इतना अच्छा वेदर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। और यहाँ हम दोनों, मान्या और मैं, बालकनी रूम में बैठ गए हैं। ये है हमारी चाय, यहाँ पर हमने चाय रख ली है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी ना पीछे काफ़ी, मतलब 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी, मौसम अच्छा हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बस अब हम इसी रूम में बैठ के चाय एंजॉय करेंगे, उसके बाद करेंगे बाकी घर के सारे काम। प्रसाद, प्रसाद ले लो, माता रानी का प्रसाद। मान्या ने पूजा कर ली है और आज किचन में देखो हमने एक नई चेंज करा है। सारे छोटे छोटे प्लांटर्स यहाँ पर ऊपर रख दिए हैं। और आज के नाश्ते में यहाँ पे बन रहा है सैंडविच, आलू रखे थे थोड़े से, चटनी लगा दी है और यहाँ पे बन जाएंगे सैंडविच। और बस इनको सेक लूँगी। क्या बना रही हो आज? हेलो, यहाँ पे बन रहा है चीकू और बनाना का शेक। पापा का फास्ट है ना, तो पापा के लिए एक ही चीकू पड़ा था और एक ही बनाना पड़ा है, तो इसका शेक बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मिक्सी के जार में हम डाल देंगे केला और चीकू और इसके अंदर थोड़ी सी चीनी जाएगी, बीज हटा देते हैं। और इसमें डालेंगे दूध और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2-4 बादाम। अगर आप भिगो के रखें तो और अच्छे बनेंगे। और थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी देसी खांड, अगर आप चीनी डालना चाहते हैं चीनी डाल सकते हो। बस इसको, इसमें आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं फास्ट के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बर्फ़, इसको करेंगे ब्लेंड। तो देखिए बन गया है हमारा चीकू और बनाना का डिलीशियस शेक, जो नॉर्मल बनाना शेक होता है उससे ज़्यादा कहीं अच्छा टेस्ट होगा इसका। और फ्रेंड्स, आजकल गर्मियों में ऐसा ही रूटीन रहता है, सुबह मैं वॉक पर चली जाती हूँ आदि को स्कूल भेजने के बाद। मान्या की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, वहाँ उसे रनिंग कराती हूँ, फिर आकर हम लोग चाय पीते हैं, फिर नाश्ता बनाती हूँ। और आज संडे था लेकिन आदि आपको घर में नहीं दिखेगा क्योंकि वो एक एग्ज़ाम देने गया था। और यहाँ पर ये अमरूद थे, बहुत ही ज़्यादा मीठे थे। और पूरी किचन वगैरह सब साफ़ करके मैंने बना लिया था नाश्ता, उसमें बनाए थे मैंने सैंडविच और हस्बैंड के लिए बनाया था चीकू बनाना शेक। कैसा बना है? टेस्टी बनाना शेक से अच्छा लग रहा है। और ये तो बिल्कुल छोटा सा चीकू बचा हुआ था। इस बार इन्होंने पूरे के पूरे व्रत रख लिए हैं, मेरा काम बढ़ा दिया है, हैं इनके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनानी पड़ रही हैं, आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे। थैंक यू किसको बोल रहे हो? मुझे नहीं, थैंक यू नहीं, देखने वालों को थैंक यू है। ओगरनाथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। और ये आरती तो हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज का पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी रहा है, अभी हम मौसी जी को छोड़कर आ रहे हैं। तो आज अम्बेडकर जयंती की वजह से पूरे मेरठ में इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। मौसी जी को हम बाहर तक ड्रॉप करने के लिए आए थे और वो हमारे घर आए थे दोपहर में, मामा जी भी आए थे, फिर हस्बैंड ने मामा जी को ड्रॉप करने के बाद मौसी को ड्रॉप करने के लिए आए, तो फिर इतनी बुरी तरह जाम में फंस गए। और अब हम, अभी हमने आते वक्त आपको ओगरनाथ मंदिर के दर्शन कराए हैं। क्या टाइम हो रहा है? 7:30 बज रहे हैं और हम घर से निकले थे 6:30 के करीब, और 6:00 से 7:30 तक सड़कों पे ही हैं। और अभी पतिदेव के लिए बनाना है जाके व्रत का खाना, इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस सुबह जो चीकू और बनाना शेक पिया था बस वही है और कुछ भी नहीं खाया। दिन में थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लिए थे बिल्कुल। और अब जाके इनके लिए खाना बनाऊंगी, भूख लग रही है बहुत तेज़ और बच्चे भी वेट कर रहे हैं।
और यहाँ सड़कों पे बिल्कुल अंधेरा है, अभी सामने से गाड़ी आ रही तो चेहरा दिखा हमारा। तो चलिए घर जाके मिलेंगे आप लोगों से, और आज का दिन पूरा दिन ऐसे हेक्टिक बीता है, आज तो पूरे ही फंस गए थे रोड पे ही, मतलब 2 घंटे रोड पे बिताए हमने। कभी भी ऐसा जाम लग जाता है मेरठ में, जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, अभी जैसे रामनवमी आ रही है तो रामनवमी पर झांकी निकलेगी, तो इस तरह का जो जुलूस वगैरह निकलते हैं तो इस तरह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है रोड पे, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जाम वाली स्थिति। और हर जगह ही जाम था आज, यहाँ पे शोभा यात्रा निकलेगी। और ये कंकड़खेड़ा है रेलवे रोड पर है, यहाँ पर भी हमें जाम मिला, मतलब पूरे शहर में ही जाम जैसी स्थिति थी। हो गई मोमोज भी इसमें मेरा भैया दो। तो फ्रेंड्स बच्चों के लिए ले ली है चाउमीन, पैक करा लिए हैं मोमोज, और बस अब घर जा रही हूँ। तो क्या है ये देखो, पकड़ो बेटा मजे, गर्मा गर्म चाउमीन एंड मोमोज। पानी पिलाओ बेटा पानी, हम फोन कर रहे थे आपने फोन नहीं उठाया। ओ बच्चों के तो आ गए मजे, दिखाओ चाउमीन और ये है मोमोज, में शायद 3 ही मोमोज आए ना, खोलना जरा। और यहाँ इनको इतनी तेज भूख लग रही है, ये खा रहा है नाशपाती बब्बू गोसा, बबूसा बब्बू गोसा कहते हैं इसको, बब्बू गोसा खा रहे हैं। और आदि कहाँ है, आदि खेलने गया है, मेरा भी मन कर रहा है खाने को। चाउमीन हम कहाँ से खा के आए, इधर को देखो हम कहाँ से खा के आए। और अब यहाँ पे मैंने भिगो दिए हैं सामक के चावल, और दिन का खाना रखा हुआ है दाल चावल बनाए थे, चावल भी रखे हैं, चावल तो थोड़े से हैं। और इसके तुमने आलू उबाल दिए थे मान्या, इसने आलू उबाल दिए हैं, अब देखती हूँ फटाफट से इसकी सामक के चावल की खिचड़ी बनाऊँगी और थोड़े से आलू फ्राई कर दूँगी व्रत के लिए। चाउमीन मज़ा आया। एक लड़की ने सारा काम निपटा के रखा, सारे बर्तन धो दिए, सारा काम निपटा दिया, और इसके लिए इसको मिली है चाउमीन, और आपके फेवरेट मोमोज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पर फिर भी मैंने एक ले लिया है, वेज मोमोज हैं ये बिना ऑनियन वाले। फ्रेंड्स अब बन रही है यहाँ पर व्रत की खिचड़ी, जो ये सामक के चावल हैं इनको मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर भी इनको वॉश कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने लौकी काट ली है, और यहाँ पर डाल दिया है मैंने कुकर में मूंगफली का तेल, और कुकर में डालेंगे बस थोड़ा सा जीरा। जब भी आपको बहुत जल्दी हो ना व्रत का खाना बनाने की और आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो तो ये रेसिपी बहुत बढ़िया रहती है। तो यहाँ पर ये जीरा जब भुन जाएगा इसमें डालेंगे ये लौकी जो हमने काट के रखी थी, और थोड़ी देर से इसको भून लेंगे, बस इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें सामक के चावल, बहुत थोड़े से सामक के चावल भी फूल के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर खाए नहीं जाते ये, तो बस इनको थोड़ी देर चला लेंगे, जैसे पुलाव बनता है ना वैसे ही बनता है ये। आप इसमें उबला मतलब कच्चा आलू भी डाल सकते हैं काट कर इस समय, बस इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, और इसमें डालूंगी मैं अब टमाटर और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, धनिया आपके पास हो तो धनिया डाल दीजिए इस टाइम पर, बस इसको मिक्स कर लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, बस अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, और मतलब खिचड़ी जो ये बनती है सामक के चावल की काफ़ी पतली कंसिस्टेंसी में बनाइएगा, क्योंकि ये ना पकने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो बस अब इसको ढक देंगे और इसके अंदर लगाएंगे 2 विसल, और हमारी सामक के चावल की खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। ये लो यम्मी यम्मी, खाना बनाना है, रोटी बनानी है तुम्हारे लिए, इसी में पेट भर जाएगा। ऐसी चीज़ें देखकर तो खुश हो जाते हो ना तुम लोग।
खाना पसंद नहीं है, चाउमीन के आगे कुछ भी पसंद नहीं है। और फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी डिनर की थाली। तो हस्बैंड का तो फास्ट था, मेरा फास्ट नहीं था, लेकिन मैंने भी यही वाला खाना खाया था, सामक के चावल की खिचड़ी बना दी थी, थोड़े से आलू फ्राई कर लिए थे, साथ में थी दही। और भोग की थाली निकालने से पहले मंदिर में हस्बैंड ने कर ली थी पूजा, मान्या ने शाम की जोत बत्ती भी कर ली थी। और संडे का बस इस तरह का ही रूटीन रहा, इस बार कुछ ज़्यादा खास काम नहीं कर पाई, ना ही कुछ ज़्यादा शूट किया है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।